12 मई की सुबह सुबह 4:30 बजे हम अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंच गए थे। फिर 8 बजे की फ्लाइट थी हमारी। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हम लोगों ने सुबह होने का इंतज़ार किया। हमारा इंतज़ार ख़त्म होता है और सूरज आसमान में धीरे धीरे ऊपर आता है और हम धीमे से चल पड़ते हैं अंधेरे से उजाले की ओर। हमारी फ्लाइट समय पर थी, हम सब रवाना हो चुके थे बागडोगरा की ओर। बागडोगरा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग इलाके में सिलीगुड़ी से 11 किलोमीटर दूर चाय बागानों से घिरा हिमालय की तराई में स्थित समुद्र तल से 136 मीटर या 446 फीट की ऊंचाई पर एक शहर है, जो नेपाल से मेची नदी द्वारा अपनी पश्चिमी सीमा और बांग्लादेश से महानंदा नदी द्वारा अपनी पूर्वी सीमा तय करता है और एक महत्वपूर्ण एयरपोर्ट भी है जो भारत के प्रमुख राज्यों से विमानों को अपने रनवे पर उतारता है। दोपहर करीब 1 बजे हम बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंच गए थे। वहां बाहर हमारी फैमिली के दूसरे मेंबर्स हमारा इंतज़ार कर रहे थे। आज से हमारी जर्नी की और ट्रैवलिंग की शुरुआत होने वाली थी। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे एक दूसरे से मिलकर और बड़े भी, क्योंकि उन्हें उनकी कंपनी मिल गई थी। थोड़ी देर इंतज़ार के बाद हमारी टैक्सी भी आ गई और हम लोगों ने अपना सामान उस पर रखा और बैठने का अरेंजमेंट किया। कौन कहाँ बैठेगा। बच्चे सब एक साथ हो गए, बड़े एक साथ, और मैं ड्राइवर के बगल में बच्चों के साथ आगे की सीट पर था। फिर शोरगुल के साथ हमारी जर्नी की शुरुआत हुई और हम सब निकल पड़े। रास्ते में छोटे छोटे घर दिखे, और जब उनका सिलसिला खत्म हुआ तो पहाड़ों का सिलसिला शुरू हुआ। साफ दिखाई दे रहा था, हम धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। रास्ते में दोनों तरफ चाय के बागान भी कहीं कहीं नजर आते थे, पर बाहर का सीन ज्यादातर वीरान और बंजर ही नजर आ रहा था। हवा काफी तेज थी और हम धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ सर्पीले रास्तों से आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में एक छोटा शहर जैसा दिखा, पढ़ा ये कुर्सियोंग था।
ड्राइवर ने वहाँ गाड़ी रोकी और हम सब लोग रिफ्रेशमेंट के लिए वहाँ रुक गए। हम आ चुके थे 446 फीट से 4900 फीट पर। कुर्सियोंग एक छोटा सा शहर है दार्जिलिंग जिले का, जो बागडोगरा से दार्जिलिंग जाने के रास्ते में आता है। कोलकाता से करीब 587 किलोमीटर और दार्जिलिंग से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित कुर्सियोंग पश्चिम बंगाल के चुनिंदा सबसे खूबसूरत पर्वतीय क्षेत्रों में गिना जाता है। खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा कुर्सियोंग समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर यानी 4900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कुर्सियोंग में एक रेलवे स्टेशन भी है जहाँ टॉय ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक चलती है। कुर्सियोंग स्टेशन दार्जिलिंग हिमालय रेलवे का एक हिस्सा है। तभी हमें दिखी पहाड़ों की रानी दो डब्बों वाली हिमालयन टॉय ट्रेन। यह 2 फीट की नैरो गेज पर चलने वाली रेल है जो न्यू जलपाईगुड़ी में 328 फीट से 88 किलोमीटर ऊपर की ओर चलकर दार्जिलिंग में 7218 फीट तक 6 जिगजैग और 5 लूप्स का उपयोग करके इतनी ऊंचाई हासिल करती है। 2 दिसंबर 1999 को यूनेस्को ने इस DHR यानी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐसे स्थानों को जैसे फॉरेस्ट, माउंटेन, लेक, डेजर्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग या सिटी को कहा जाता है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी द्वारा चुने जाते हैं। यही कमेटी इन जगहों की देखरेख भी करती है। प्रत्येक हेरिटेज साइट उस देश की विशेष संपत्ति होती है जिस देश में वह जगह होता है, परंतु इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी यह फर्ज होता है कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए और मानवता के हित के लिए इनकी देखभाल करें। मतलब उस देश की ही नहीं, पूरे विश्व समुदाय पर इसके संरक्षण की जिम्मेवारी होती है। अभी हमें और 1800 फीट ऊपर जाना था और फिर कुर्सियोंग से हम चल दिए दार्जिलिंग की ओर। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का एक पुराना और नॉर्थ की ओर स्थित एक ज़िला है जो समुद्र तल से 6700 फीट ऊंचा है। वहाँ होटल यूमा में हमारी पहले से बुकिंग हुई थी। ड्राइवर के साथ मिलकर हमने सामान उतारा और सामान लेकर हम चले आए होटल में। ऊंचाई की वजह से बाहर ठंड थी, हालांकि गर्म कपड़े थे हमारे पास, पर कुछ और नए गर्म कपड़ों की खरीदारी हमने वहाँ के लोकल शॉप से की। फिर हम होटल आ गए और वहाँ हमने डिनर किया और आज का हमारा डिनर समाप्त हुआ और दिन भी। कल हम करने वाले हैं लोकल दार्जिलिंग की सैर।